बुधनी सीट से भी लड़ने की बिल्कुल संभावना है, मैं लड़ सकता हूं, लेकिन डिपेंड करता है कि जो पूरा विपक्ष है यदि वो मिलकर लड़ता है तो शिवराज सिंह चौहान को हराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। व्यापम के विसल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय क्या बुधनी से चुनाव लड़ेंगे? क्या सीएम शिवराज सिंह चौहान को वो टक्कर देंगे? तमाम सवाल लगातार राजनीतिक गलियारों में गूंज रहे हैं और इनका जवाब डॉक्टर आनंद राय ने एमपी तक पे दिया है। एमपी तक से खास बातचीत करते हुए डॉक्टर आनंद राय ने कहा कि बुधनी एक ऐसी सीट है जहां से सीएम शिवराज सिंह चौहान को टक्कर दी जा सकती है, और क्योंकि डॉक्टर आनंद राय आने वाले वक्त में 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, उन्होंने मन बना लिया है, तो ऐसे में बुधनी भी एक वो सीट हो सकती है जहां से डॉक्टर आनंद राय चुनाव लड़ सकते हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान को टक्कर दे सकते हैं। एक सवाल ये भी आ रहा है कि क्या आप बुधनी से चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, बुधनी से अभी तक मुझे लगता है कि चुनौती नहीं दी गई है। आपने देखा होगा एक बार हमारे संगठन के लोग जो हैं वहां पर हमने बड़ा प्रदर्शन के लिए हमने ऐलान किया था, मैं 165 लोगों को हिरासत में लिया गया था। शिवराज सिंह चौहान इतना डर गए थे कि चप्पे चप्पे पर उन्होंने पुलिस तैनात कर ली थी और हम लोगों को बुधनी के अंदर घुसने नहीं दिया गया था। तो बुधनी भी एक अच्छी सीट है। बुधनी में 45,000 से अधिक आदिवासी हैं, 50,000 से अधिक दलित लोग हैं, पिछड़े वर्ग की भी बड़ी संख्या, मैं खुद पिछड़े वर्ग से आता हूं, तो बुधनी सीट से भी लड़ने की बिल्कुल संभावना है, मैं लड़ सकता हूं, लेकिन डिपेंड करता है कि जो पूरा विपक्ष है यदि वो मिलकर लड़ता है तो शिवराज सिंह चौहान को हराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, शिवराज सिंह चौहान को हम हरा देंगे। आपको बता दें कि डॉक्टर आनंद राय ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान को और बीजेपी को बुधनी से टक्कर दी जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर विपक्ष एकजुट होता है तो ऐसे में वो बुधनी से चुनाव लड़ने के बारे में सोच सकते हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान को बुधनी विधानसभा सीट से सीधी टक्कर दे सकते हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर आनंद राय आजकल काफी चर्चा में है क्योंकि प्रदेश सरकार की तरफ से उनको निलंबित किया गया है। वो मेडिकल ऑफिसर के रूप में सरकारी अस्पताल में तैनात थे लेकिन वहां से उनको उनकी बर्खास्तगी कर दी गई है, जिसके बाद एमपी तक से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए उन्होंने बताया कि वो 2023 में इस साल के अंत में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें वो चुनाव लड़ेंगे। कहां से लड़ेंगे ये जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि बुधनी एक वो सीट हो सकती है जहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान को सीधी टक्कर दे सकते हैं। हालांकि ये वक्त बताएगा कि डॉक्टर आनंद राय आखिर चुनाव कहां से लड़ेंगे, लेकिन फिलहाल सीएम शिवराज सिंह चौहान को सीधी टक्कर देने की बात आनंद राय ने कर दी है। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रही है एमपी तक के साथ।